अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ भैया, देखा था कल आपने वो आदमी ने क्या किया है? अरे वो आदमी ने फुआरा चौक की जगह पाने के लिए बाप बेटे के बीच में दरार डलवा दी, बहुते बड़ी दरार। अब वो इस लड़ाई को और बढ़ाने के लिए इस लड़ाई में एक वकील भी उतार रही है भैया, ताकि और भड़के लड़ाई। और उधर अशोक से अपना हिस्सा पाने के लिए मनोज किस हद तक जाएगा ये तो हमको भी नहीं पता। का अशोक मनोज को हिस्सा देगा या नहीं, लड़ाई किस हद तक जाएगी, आइए मिलके देखते हैं ना। गुल्लू जी है जी। आप गुल्लू जी हैं? हाँ जी गुल्लू जी हैं। आप कौन जी? मैं मनोज। मनोज रमांडी ने कॉल किया होगा। हाजी हाजी हाजी। और मनोज भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप थोड़ा धीरे बात कीजिए प्लीज। अरे मैं क्यों धीरे बात करूँ, मुझे किसी के बाप का डर मारा है क्या? आपको किसी के बाप का डर नहीं मारा, लेकिन मुझे मेरे बाप का डर मारा है। अरे उसी डर से तो मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ मैं। जज साहब नाम बस बस। अरे मेरे बाप को पता लग जाएगा ना, वो यहीं पे मेरा कोर्ट बना देगा प्लीज। अरे यार तुम डरते बहुत हो, कम ऑन अंदर चलते हैं। क्या बात है मम्मी, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। डांसी डांसी हाँ। थोड़े ही दिनों में तुम्हें भी खुशखबरी मिलने वाली है। खुशखबरी? ये कैसे हो सकता है? अरे अरे अरे, मेरा मतलब है थोड़े ही दिनों में कैफे में बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट शुरू होने वाला है। अरे हम तो डर ही गए थे मम्मी, आराम से बताया करो ना, कुछ बताना होता है तो। बट मैंने आपको कितनी बारी बोला है, आप ना औरों के पंगों मत पड़ा करो। अरे मैं पंगे में नहीं पड़ रही, लेकिन मैं किसी और के बीच पंगा तो करवा ही सकती हूँ ना। मम्मी क्या बात है, जब पहली बार मेरी तरह सोच रहे हो। अब होगा ना मजा, दूसरों के पंगों में थोड़ी सी हाथ पाई हो जाए बस। आई लव फाइटिंग। मैडम ये सब बात ठीक है, देखो मॉल में मैं इस सैलरी में काम नहीं करूंगी, ये बात आप देख लो। जब आप मॉल में सलून खोलोगे ना तो मेरी सैलरी बढ़ा दूंगी। हाँ मैडम, इतने कम पैसे में हमारा गुजारा नहीं होता। हाँ कैसे करेंगे हम लोग, महीने के अंत तक तो ऐसे हो जाता है कि कागज पे रोटी बना के खाना पड़ता है, पैसे ही नहीं बचते। देखो तू कागज पे पिज्जा बना के नहीं खा सकती, उस पे भी तेरे को रोटी खाना है। अरे सॉरी। हो गया तुम्हारा? नहीं। काम पे लग जाए। जाओ काम पे लगो, चलो कुछ कबूरी आएगी तब देखेंगे। काम आजी आजी इधर बेटा, बस बस बैठ जाइए बेटे। ये साहब कौन है? ये पापा वकील है। अच्छा वकील है, तो मेरे को तो लगा कि टीसी है ट्रेन वाला। तू बिना टिकट के ट्रेवल किया होगा, आ गया होगा वसूल करने के लिए। अरे मेरे दोस्त का बड़ा भाई है पापा, सलाह मशवरा करने के लिए आया मुझसे। सलाह मशवरा? हाँ बेटा, अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझे एक सलाह दूं, अगर तुझसे कोई सलाह मांगे तो उन्हें ये सलाह दे देना कि तुझसे सलाह ना मांगे। पर सच कहूं आज तेरी माँ सरस्वती बहुत खुश हुई होगी ये जानकर कि अब वकील लोग भी तुझसे सलाह मशवरा करते। वाकई में तू तो बड़ा हो गया बेटा। हाँ पापा बहुत बड़ा हो गया हूँ मैं, लेकिन आपको दिखता नहीं है ना ये सब, आपको मेरा टैलेंट मेरी काबिलियत कुछ नहीं दिखती। छोड़िए छोड़िए वकील जी, क्या खाएंगे आप बताइए ना। अरे नहीं नहीं खाना पीना कुछ नहीं, ठीक है बस 3 प्लेट पास्ता। मेरे लिए नहीं, घर में बच्चों के लिए। बेटा 3 प्लेट पास्ता और कितना? दो सैंडविच। दो सैंडविच पैक कर दे, मेरा काम हो जाएगा ना, वो रमा आंटी ने बताया होगा आपको, होगी ना आपकी सारी बात। अरे तुम्हारा हिस्सा तो वो, आराम से बोलिए, तुम्हारा हिस्सा तो वो हाथ जोड़ कर देगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस कुछ पेपर साइन कर रहे हैं, बस बाकी काम मैं संभाल लूंगा। इंदौर में सबसे ज्यादा केस मुझ पर है। क्या? मेरा मतलब है कि सबसे ज्यादा केस मेरे पास है,
जज जो है ना, मेरा नाम सुनते ही मेरे हक में फैसला सुना देता। सच में? तुम्हें बस कुछ पेपर साइन करने हैं, उसके बाद मैं तुम्हारे बाप को। पापा, पापा क्या संस्कार है। उसने तुम्हें अच्छे से धोया लेकिन तुमने रंग नहीं छोड़ा, क्या बात है। अरे ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पापा जी को आज ही नोटिस भिजवा दूंगा। चीखे ना निकलवा दी ना तो मेरा नाम गुल्लू नहीं। नहीं नहीं चीखे नहीं, बुजुर्ग है, मारपीट नहीं, मारपीट नहीं, बस नोटिस भिजवा दीजिए। अरे भाई चीखे तो नोटिस देख कर ही निकलेंगी, मैं कौन सा उनको दांत से काटने जा रहा हूँ। तुम टेंशन मत लो, साइन कर दो पेपर। लीजिए सर। अरे वाह भाई वाह, ये हुई ना बात। अब तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलने से तुम्हारा बाप भी नहीं रो। पापा उन्होंने ही रोक रखा है। लेकिन कोई नहीं, मैं हूं ना, टेंशन मत लो। मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ नंबर, बस उसी पे ऑनलाइन पेमेंट कर देना। पर खाना अच्छा लगा तो दोबारा लेने आऊंगा। फिक्र मत कीजिए, फ्री का खाना हमेशा अच्छा ही लगता है। आपका ये गरीब नौकर है बड़ा फनी। गरीब नहीं हूँ मैं, सोशल मीडिया पे 3,000 फॉलोअर्स है। ले बेटा खा ले फिर एप्पल, रास्ते में खा लेना। भैया इसको देख के लगता ना ये कुछ कर नहीं पाएगा। रमा आंटी ने तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोला था कि भाई जैसे इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा इसी ने करवाया हो। वो यहाँ क्या कर रही है? या गुल्लू और भूकंप जब भी आते हैं ना नुकसान होता है, बहुत डेंजर है, पक्का कुछ गड़बड़ है। चल के पूछे क्या? हाँ अशोक जी। अशोक भैया क्या है? वो गुल्लू आपके पास क्या करने आया था? अरे तुम दोनों उल्लू इधर क्या कर रहे हो? हाँ? अरे उल्लू कौन गुल्लू? अरे वो वकील, वो अभी तो निकला आपके कैफे से, वो यहाँ क्या कर रहा है? तुम लोग जानते हो उसे? हम लोग जानते हैं, अरे पूरा इंदौर जानता है। एक नंबर का थर्ड क्लास आदमी, दो नंबर के काम करता है, लोगों में झगड़ा लगवा कर उनकी जमीनों का बंटवारा करवाने में माहिर है वो। भड़का। क्या? हाँ किसी के यहाँ चाय पीने भी चला जाए ना तो उसके घर में दरार डाल के बंटवारा करा देता है। क्या कह रही है? मुझे नहीं पता पापा। वो गुल्लू? हाँ। मुझे नहीं पता पापा, वो तो मेरे पास किसी और काम से आया था ना। दुआ करके जो कुछ भी तू कह रही है वो सच है, क्योंकि अगर ये झूठ निकला तो बीच चौराहे में मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तू अच्छी तरह से जानता है कि बंटवारा शब्द से मुझे सख्त नफरत है। पहले ही अपनी दुकान आधी वो धन कब्जा करके बैठी है। मचे कुचे को भी किसी ने अगर बंटवारा करने की कोशिश की तो छोड़ूंगा नहीं मैं। देखिए फव्वारा चौक दंगल प्ले ऐप पर।